चलिए, हमारे साथ शिवांशु मेहता जी भी हैं, बुलियन हेड है एमसीएक्स के। सर, सबसे पहला हमारा सवाल होगा, जिस तरह के बुलियन का में ट्रैक्शन दिख रहा है इस साल और रिकॉर्ड वॉल्यूम भी हो रहा है, बुलियन ऑप्शंस की अगर बात करें तो 24 मार्च के जो आंकड़े थे वो ऑल टाइम हाई टर्नओवर थे। अभी अप्रैल लास्ट के भी जो आंकड़े आए थे, चाहे वो सिल्वर को लेकर हो, गोल्ड मिनी के ऑप्शंस को लेकर हो, लगातार रिकॉर्ड टर्नओवर हो रहा है। क्या वजह, इसके पीछे क्या वजह है सर? क्या पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ा है या कुछ और वजह आप देख रहे हैं, या लोग हेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? किस तरह का पार्टिसिपेशन आ रहा है गोल्ड के प्रोडक्ट्स में सर? जी हाँ, आई थिंक जिस तरह के ओवरऑल फाइनेंशियल मैक्रो माहौल को हम देख रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे भी क्लाइंट जो है, रिटेल क्लाइंट्स का भी इंटरेस्ट इसके अंदर, इस एसेट क्लास में काफ़ी बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि जो ऑप्शंस का, जो एक तरह का कमिंग ऑफ एज हम देख रहे हैं, वो गोल्ड और सिल्वर दोनों में देखा जा रहा है कि उसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है और टर्नओवर फिगर्स हैं वो ये दिखाते हैं कि एक एक रिटेल क्लाइंट फ्यूचर्स की अगर पोजीशन लेता है तो उसके ऑप्शंस के साथ हेज करना शुरू कर दिया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो ज्वेलर्स हैं और जो बुलियन ट्रेडर्स हैं उनके अंदर ऑप्शंस का इस्तेमाल बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो अपनी डाउन साइड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं पुट ऑप्शंस के जरिए, और अपनी इन्वेंट्रीज को, जो कि एक्सचेंज डिलीवरेबल इन्वेंट्रीज रहती हैं, उनको बेसिकली वो मोनेटाइज कर पा रहे हैं कॉल राइटिंग के जरिए। सो वी आर सीइंग अ मल्टीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन एंड एंड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स ऑफ द मार्केट। और जहां तक आपने बताया नंबर्स के बारे में, ऑफ कोर्स रिसेंट ऑल टाइम हाई हुआ था 18,000 करोड़ प्लस का बुलियन ऑप्शंस में, और सिल्वर में भी 9,700 करोड़ 30 KG ऑप्शन ने ऑल टाइम हाईज हिट किए हैं। सो आई थिंक वॉलेटिलिटी को लोग सीरियसली ले रहे हैं और अपनी इन्वेंट्रीज को ज्वेलर्स एक गिवन नहीं मान रहे हैं कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो वो तो हमारी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, उससे कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं इंश्योरेंस कवर की तरह, ये देखा जा रहा है। विश्वमोहन जी, शिवांशु जी, अब अगला मेरा सवाल ये होगा कि बुलियन और जो इंडस्ट्री वगैरह जो डिस्पैरिटी जो दिख रही है अभी मार्केट में, इंडिया के स्पॉट मार्केट में, और जो डिस्काउंट दिख रहा है इंटरनेशनल प्राइसेस के मुकाबले, इसका क्या फायदा आपको आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में दिख रहा है? नहीं फायदा देखिए, इसमें एक बात है कि हमारा एज अ लीडिंग प्लेटफॉर्म, एज अ लीडिंग MII, वी आर इन सर्विस ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, स्पेशली द फिजिकल इंडस्ट्री। तो इसमें एक सबसे अहम चीज ये है कि डिस्पैरिटीज तो ऑफ कोर्स किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसके वेरियस फैक्टर्स रहते हैं डिस्काउंट्स के, मगर एक चीज जरूर है कि हमारा जो प्राइस है उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस मूवमेंट, करेंसी एज वेल एज द कस्टम ड्यूटी। तो ये तीनों की प्रोटेक्शन रहती है, और स्पॉट मार्केट्स के साथ नियरली 99% 100% कोरिलेशन भी रहता है, और ये कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इन तीनों तथ्यों को जब हम देखते हैं तो इससे जो स्पॉट टू फ्यूचर्स इंटेग्रेशन जो है, जो कि हमारा एक अहम पर्पस रहता है एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज होने का, वो इससे मीट होता हुआ नजर आता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत, मिशन के तहत, हमने रिसेंटली इंडियन रिफाइनर्स, जो कि चुनिंदा इंडियन रिफाइनर्स हैं, जो कि ऑडिट्स, बहुत स्ट्रिंजेंट ऑडिट प्रोसेस हमने रखी थी, उसे पार करके जो इम्पैनल होते हैं, तो उनके जरिए भी एक तरह से रिसाइकलिंग को बढ़ोतरी मिलती है। बिकॉज इंडिया के अंदर जो डिस्पैरिटीज हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ बुलियन के अलावा अगर कोई और विकल्प है तो वो एक एक्सचेंज डिलीवरी भी रहता है, तो इसके जरिए जब भी डिस्काउंट्स बढ़ते हैं तो रिसाइकलिंग को एक तरह का फिलिप मिलता है, जो कि एक तरह की हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस को भी कम करता है। तो आई थिंक ये एक तरह का बेनिफिट एक्सचेंज के द्वारा माध्यम से पार्टिसिपेंट्स को, बुलियन ट्रेडर हो या ज्वेलर हो या रिफाइनर हो, उन सबको मिलता है। शिवांशु जी, एक छोटा जवाब दीजिएगा। एमसीएक्स पर आपने कहा कि बहुत सारे ज्वेलर्स आ रहे हैं हेजिंग के लिए, सर जो नए प्रोडक्ट्स हैं एमसीएक्स के, क्या उसमें किस तरह के पार्टिसिपेशन है, किस तरह की हेजिंग कर रहे हैं ज्वेलर्स, और क्या उनके लिए आप लोग ग्राउंड पर भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं हेजिंग के लिए? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। जो नए प्रोडक्ट्स हैं, देखिए हमारे यहाँ हर डिनोमिनेशन में रहता है कोई ना कोई प्रोडक्ट, ताकि बड़े छोटे सभी ज्वेलर्स फायदा उठा सके। तो जो गोल्ड का 100 ग्राम का हमारा ऑप्शन है,
वो भी इस समय उसने भी अपने ऑल टाइम हाईज नियरली 1000 करोड़ का टर्नओवर हिट किया था और उसके अंदर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जहां तक जागरूकता का सवाल है, हम जितनी भी बुलियन एंड यू नो ज्वेलरी एसोसिएशंस रहती हैं, एपेक्स एसोसिएशंस एज वेल एज रीजनल, उनके साथ हम लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जुटे रहते हैं। तो इसमें पूरे देश के डिफरेंट जो मार्केट्स हैं, बुलियन की जो मंडियां हैं, सराफा बाजार्स हैं, बड़े ही शहरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोटे शहरों में भी वहां हमारी टीम जाके जागरूकता का अभियान करते रहते हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। तो आगे चल के भी हम कमिटेड रहे इस चीज के ऊपर, करते रहेंगे। शुक्रिया शिवांशु जी, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए। चलिए वापस से अब लौटते हैं वायदा बाजार की ओर, चांदी की चाल देख लेते। चांदी भी आज शुरुआती कारोबार में जबरदस्त तेजी दिखा रही थी, 77,500।